स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद महासंग्राम में महाकवरेज लगातार जारी है, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भगवा लहराता हुआ दिख रहा है। बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, रुझानों में बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती दिख रही है बीजेपी। और इस बीच बड़ी खबर, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव हार गए हैं चुनाव, पत्थल गांव में बीजेपी की जीत हुई है, नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हरसूट से मंत्री विजय शाह जीत गए हैं अपना चुनाव। कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर थी। गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह जीत गए हैं, कोटा से कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव जीत गए हैं, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव हार गए हैं अपना चुनाव। तो ये बड़ी अपडेट्स है इस वक्त की। और कुछ और सीटें यहां पर क्लियर होती हुई आशा, ये पथलगांव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है, हरसूट से मंत्री विजय शाह जीते। और लिए चलते फिर सीधा आपको मैजिक बॉल पर, जहां हमारे सहयोगी पुनीत इस वक्त लगातार मौजूद है। पुनीत, ये जो आंकड़े हैं अब वो धीरे धीरे और स्पष्ट होते जा रहे हैं, मैजिक वॉल आपकी क्या बता रही है, क्या दिखा रही है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैजिक वॉल सबसे पहले तो जो मैजिक जनता ने किया है वो दिखा रही है। पहले 2018 में जो मैजिक हुआ था वो मैं आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ दर्शकों को कि देखिए ये मध्य प्रदेश की तस्वीर साल 2018 की है, 5 साल पहले की तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को कितनी सीटें हासिल हुई थी, बीजेपी को कितनी सीटें, कांग्रेस के पास 114, बीजेपी के पास 109। लेकिन ये हो गई कल की बात, अब हम करते हैं आज की बात। 230 विधानसभा सीटें हैं और 230 विधानसभा सीटों की तस्वीर मध्य प्रदेश 2023 में क्या बनती हुई नजर आ रही है, इसको जरा देख लीजिए। नुकसान किसको हो रहा है, फायदा किसको हो रहा है, देख लीजिए। यहां पर बीजेपी 166 सीट, 57 सीटों का फायदा बीजेपी को हुआ है, कांग्रेस को 62 सीट हासिल हुई है, 52 सीटों का नुकसान हुआ है। अन्य जो है, अन्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर अन्य को ज्यादा जगह मिलती हुई नजर नहीं आ रही अभी तक। जो है अन्य यहां पर केवल 2 ही है, पिछली बार 7 थे तो 5 का नुकसान। अब अलग अलग बातें कर लेते हैं, हम फिल्टर इसमें लगा देते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि कमलनाथ फैक्टर कितना काम किया, कमलनाथ फैक्टर जहां काम करता है वहां पर क्या नतीजे आए हैं, शिवराज फैक्टर कहां काम करता है और उसके नतीजे क्या आए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिवराज फैक्टर की, शिवराज फैक्टर क्या बता रहा है। तो शिवराज फैक्टर देखिए, शिवराज फैक्टर की कुल है 65 सीटें, 230 में से 65 सीटें शिवराज फैक्टर की हैं और इनमें 49 सीटें जो है बीजेपी ने हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 16 सीटों पर संतोष करना पड़ा, 15 सीटों का नुकसान हो गया, 19 सीटों का बीजेपी को फायदा हुआ है। यह तस्वीर आप समझ लीजिए, 2018 और 2023 के बीच में यह अंतर नजर आ रहा है, बीजेपी ने कितना गेन किया, शिवराज सिंह चौहान का फैक्टर कितना काम किया है, इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ पाएंगे। इसके अलावा एक बार फिर से हम फिल्टर लगाएंगे और हम देखेंगे कि कमलनाथ फैक्टर ने क्या काम किया है, क्यों बड़े चेहरे थे तो कमलनाथ फैक्टर की तस्वीर जरा देख लीजिए। कमलनाथ का फैक्टर जो है ये इसी तरफ महाकौशल की तरफ काम करता है और कमलनाथ फैक्टर की सीटें होती हैं 33, जिसमें से कि बीजेपी ने 19 सीट है हासिल कर ली है, 11 का फायदा हुआ है और 10 का नुकसान कांग्रेस को हुआ है, 14 सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। तो कमलनाथ का फैक्टर भी काम नहीं करा है, शिवराज फैक्टर ने काम करा है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। ओवरऑल फिर से तस्वीर जाते हैं और उसके बाद फिर से एक बार फिर से फिल्टर लगाएंगे और फिल्टर लगाकर अब हम देखते हैं कि सिंधिया फैक्टर की कितनी सीटें, मध्य प्रदेश में सिंधिया फैक्टर की कुल 41 सीटें होती हैं और सिंधिया फैक्टर ने भी मध्य प्रदेश में काम किया है। कैसे काम किया है ये आपको हम दिखाते हैं। बीजेपी देखिए 26 सीटें सिंधिया फैक्टर की, जो 41 सीटें हैं उनमें से 26 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, बीजेपी या तो जीत रही है या जीत चुकी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 17 सीटों का नुकसान हुआ है, 14 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है और बदलाव क्या हुआ है, बदलाव यह हुआ है कि 17 सीटें जो हैं ये बीजेपी के पास ज्यादा आई हैं 2018 के मुकाबले। अब फिर से एक बार फिल्टर लगा के बात करते हैं तस्वीरों को और समझते हैं कि अलग अलग फैक्टर, भारत जोड़ो इंपैक्ट देखिए बहुत बड़ा इंपैक्ट, कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, बड़ी बात तो थी भारत जोड़ो की। हाँ। तो भारत जोड़ो इंपैक्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा इस रूट से निकली थी, आपको याद होगा यहीं से होकर गुजरे थे और भारत जोड़ो का इंपैक्ट देखिए कि बीजेपी को 13 सीटों का फायदा हो गया, कांग्रेस 5 पर सिमट गई। भारत जोड़ो का जो एरिया था जहां से ये यात्रा निकली थी उसके मुताबिक 10 सीटों का नुकसान हुआ है। हाँ। तो ये तस्वीर जो है ये आप समझ पा रहे होंगे कि क्या मध्य प्रदेश की तस्वीर बन रही है। फिल्टर और लगाएं और अगर बीजेपी बिग गन्स इंपैक्ट की अगर बात की जाए तो ये देखिए ये तस्वीर क्या बता रही है, ये बता रही है कि देखिए अब यहां पर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से,
ये मध्य प्रदेश का चंबल का हिस्सा है, यहां पर थोड़ा महाकौशल का भी पड़ता है, कुछ मध्य का इलाका भी पड़ता है, कुछ इंदौर के आसपास और उज्जैन का इलाका भी पड़ता है। हाँ। इसके अलावा बुंदेलखंड की भी बात करें या विंध्य की भी बात करें तो वो हिस्सा भी पड़ता है। 79 सीटें हैं और 22 सीटों का फायदा बीजेपी को हुआ है। जीते जरूर है, 22 सीटें जीते जरूर, लेकिन फगन सिंह कुलस्ते जैसे नेता अगर हार जाते हैं तो बिग गन्स इंपैक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट पैदा करता है। हालांकि इस पर हम अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। इस बीच एक बड़ी खबर, जोबट में कांग्रेस की जीत हो गई आस्था, अब रिजल्ट आने लगे हैं, क्लियर होने लगे सीटें। भैंस देही में बीजेपी की जीत हुई है, एक एक करके सीटवार तरीके से नया आंकड़ा हमारे सामने। बैतूल में बीजेपी जीत गई है तो ये ताजा आंकड़ा है। नीमच में भी बीजेपी की जीत हुई है और इसके अलावा कहां से खबर मिल रही है, रामानुजगंज में बीजेपी के रामविचार नेताम जीत गए हैं। जोबट में कांग्रेस की जीत हुई है, यानी अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वहां पर बीजेपी कांग्रेस का आप रेशियो उठाकर देखिए तो यहां पर भी कंफर्म सीट्स में बीजेपी काफी आगे चल रही कांग्रेस से। बैतूल में बीजेपी की जीत हुई है और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। नेहा बग्गा जी हमारे बीच में है। नेहा जी, बहुत से बड़े चेहरे रहे पार्टी के जो चुनाव हार गए, चाहे वो एग्जिस्टिंग मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, या वो चेहरे हो जो मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी ना कभी किसी बड़ी भूमिका में रहे और मौजूदा दौर में भी वैसे ही प्रोजेक्ट किए गए। आस्था जी, देखिए चुनाव है तो जीत और हार दोनों ही होगी, पर जिस प्रकार की प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में जीत हो रही है, ये विकास की जीत है, ये उन लाडली बहनों की जीत है, ये उन लाडली लक्ष्मियों की जीत है जिन्हें भ्रूण में मार दिया जाता था, अब वो पैदा होते ही लखपति होने लग गई थी जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया था। ये उन इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है जहां पर गड्ढे पाए जाते थे दिग्विजय सिंह के शासन में और अब विकास की एक धारा बही है। ये उन किसानों की जीत है जिन्हें किसान सम्मान निधि मिल रहा है और तमाम सारी योजनाओं की और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम की जीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो 24 घंटे जनता के समक्ष रहता है, 365 दिन जनता के समक्ष रहता है। अगर खुशी है तो भी जनता के साथ है, गम है तो भी जनता के साथ है, कांग्रेस की तरह पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं करता। और आप जानती हैं कि एक 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई थी, एक कॉरपोरेट मुख्यमंत्री मिला था जिसने ना धूल देखी थी, ना धूप देखी थी, ना किसान देखा था, ना पसीना देखा था, सिर्फ चुनाव चुनाव में दिखाई देते थे। और बहुत हैरानी भी नहीं हो रही होगी मुझे लगता है जनता को ये जिस प्रकार का आज मैंडेट आ रहा है, क्योंकि स्वयं कमलनाथ जी नितेंद्र जी के चुनाव प्रचार में गए अपने प्रत्याशी के, कहते हैं जिस दिन जन्म हुआ था उस समय आया था, उसके बाद अब आया हूं। ग्वालियर गए तो कहते हैं 30 साल के बाद आया हूं। सागर प्रचार करने पहुंचे तो बताया 35 साल के बाद आया हूं। तो जिस व्यक्ति को मध्य प्रदेश ने 45 साल केंद्र की राजनीति करने का अवसर दिया, सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, कितनी शर्म की बात है कि उन्होंने मध्य प्रदेश नहीं देखा है। जिस मध्य प्रदेश में वो सत्ता के लोभ के लिए आना चाहते हैं, उसके जनमानस को नहीं जानते, उसकी तासीर को नहीं जानते। आप देखिए ना, प्रियंका गांधी आई थी अभी प्रचार करने के, ग्वालियर चंबल नहीं बोल पाई, चंबा कर रही थी प्रचार के अंदर। तो ये मूल अंतर है कि एक स्थानीय कनेक्शन और प्रत्येक व्यक्ति का, हार जीत होगी पर जिस तो प्रकार कांग्रेस की नाकामी का फायदा आपको मिला, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे कहा कि ये विकास की जीत है, मैंने आपसे शुरुआत में कहा ये महिलाओं की जीत है क्योंकि साक्षरता बढ़ी है, महिलाएं जो है राजनीतिक सशक्त हुई हैं, आर्थिक तौर पर सशक्त हुई हैं, सामाजिक तौर पर सशक्त हुई हैं और ये आज समस्त मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। और मध्य प्रदेश में आप देखिए कि अगर महिलाएं आज 2 लाख से अधिक जनप्रतिनिधि हैं तो 50% का आरक्षण है लोकल बॉडीज के चुनाव में। पंच, सरपंच, अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष, महापौर, पार्षद, सदस्य, ये महिलाएं हैं। और सत्ता छोड़िए, संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी 33% का आरक्षण महिलाओं को देती है। तो ये सारे जो अंतर हैं, युवाओं के लिए उड़ान योजना हो, तमाम सारी चीजें जो अथक प्रयास किया है, जो परिश्रम की पराकाष्ठा तक कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये उसका नतीजा है। और फिर मोदी जी की गारंटी कांग्रेस का भी लेते हैं हम इस पर। मिथुन जी भी हमारे साथ, मिथुन जी वो बात जो भी हम मैजिक वॉल में देख रहे होंगे आपने भी देखा होगा, जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी वहां पर 22 सीटों का फायदा, जो बिग गन्स की हम बात कर रहे थे, बिग गन्स की खुद तो वो सीट हार गए लेकिन आसपास की जो सीटें हैं वो जीत गए। और जैसा कि नेहा जी बार बार कह रही हैं कि बड़े नेताओं की, बड़े चेहरों की वो जो एकरूपता होनी चाहिए वो कांग्रेस में नहीं है। केंद्र में अलग नेता है, राज्य में अलग नेता है, जबकि बीजेपी का तो एक ही चेहरा है, वो एक ही चेहरे पर लड़ रहे हैं और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म आती है ये मानने में कि शिवराज सिंह चौहान जी इनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। आज तक भारतीय जनता नहीं
पार्टी नहीं मान पा रही है। अभी जिक्र किया गया कि महिलाओं का जो है साक्षरता रेट बढ़ गया है, तो इसलिए आपके उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव चुनाव हार रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा मिल गई है, इसलिए आपके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। किसानों को सम्मान निधि मिल गई है, इसलिए आपके कृषि मंत्री चुनाव हार रहे हैं। तो क्या है कि जब आप जीत जाते हैं तो आपकी सारी गलत बातें सही हो जाती हैं, जब आप हार जाते हैं तो आपकी सारी सही बातें गलत हो जाती हैं। तो ठीक है, आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, एक राज्य और है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा गई थी, वहाँ प्रचंड बहुमत से जीते। ठीक है, आज हम लोगों के साथ यदि जो रुझान में अगर हमें बहुमत नहीं दिखाई दे रहा है, अगर रिजल्ट में भी हम आगे नहीं है, ठीक है, हम अपनी विश्लेषण करेंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 15-15 लाख में पटवारी के पद बेचे, क्या ये मध्य प्रदेश के युवाओं को याद नहीं है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी जिसने व्यापम जैसे घोटाले किए जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, ये सब जनता के दिमाग में दर्ज है? वो मध्य प्रदेश जिसको लगातार मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार में नंबर एक पर बनाए रखा, वो भी दर्ज है? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से पूछो कि बलात्कार क्यों हो रहे, तो कहते हैं हम सनी लियोनी पर कार्रवाई कर रहे हैं। इनसे पूछो अपहरण हो रहे हैं तो कहते हैं हम श्वेता तिवारी पर कार्रवाई कर रहे हैं। इनसे पूछो कि मर्डर क्यों हो रहे हैं तो कहते हैं हम नेटफ्लिक्स के कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी का मॉडल, ये सनातन की बात करते हैं, कौन है मोनिका भट्टी जो स्वयं को रावण का उपासक बताती हैं, किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया? कौन है बिसाऊ लाल सिंह जो श्री राम की मां पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, आप बार बार स्टालिन का नाम लेते हैं? कौन है जीतन राम मांझी एनडीए के अलाए हैं, कहते हैं भगवान राम काल्पनिक है? तो ये कुछ बातें हैं जो जनता के सामने हमें लेकर के जानी होंगी, हम लेकर के जाएंगे और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हमें। चलिए ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात रखी और अब सीधा चलते हैं, हमारे सहयोगी सुधीर दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, और उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। आपके पास ही आ जाऊंगा यार, एक एक करके जी सुधीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है। केंद्रीय मंत्री सुधीर, ओवर टू यू। जी 1-2-3-4 ही बचे। यस सर, जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़े बहुमत से जीत हासिल की है और इस वक्त हम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ मौजूद है और उनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है। ये जीत आप जैसे हर मध्य प्रदेश के नागरिक के आशीर्वाद के आधार पर हो पाया है और आपके चैनल के द्वारा मैं मध्य प्रदेश के हर नागरिक को प्रणाम करता हूं, उनके पैर छूता हूं और उनको धन्यवाद दिल की गहराइयों से देना चाहता हूं। ये जीत विकास की जीत है, ये जीत प्रगति की जीत है, ये जीत सत्य की जीत है। मैं सदैव कहता था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और आज दोबारा वो पूर्ण रूप से प्रचलित हो पाया है। जो लोग इल्ज़ाम लगाते थे, जो लोग गालियाँ देते थे, जो लोग अनाप शनाप आरोप लगाते थे, उन सब के मुंह बंद करने का काम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया या बीडी शर्मा जी को करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो प्रदेश की जनता ने बंद कर दी। और जो लोग यहाँ आकर परिवार के ऊपर लांछन लगाने का नाम काम करते थे, मैंने तभी कहा था उस समय में ट्विटर पे कि इसका जवाब ग्वालियर चंबल की जनता दे देगी, और जो लोग कद की बात करते थे उनको अपना कद ग्वालियर चंबल की जनता ने दिखा दिया है और मध्य प्रदेश की जनता ने दिखा दिया। लगातार अथक परिश्रम आपने किया, मैं भी आपके साथ जब हेलीकॉप्टर में गया था तो मैं देख रहा था कि अथक दौरे आप कर रहे थे और बहुत तेजी के साथ आपको इतनी जल्दी होती थी कि कैसे किस तरह जनता से मिलना है, अपनी बात रखना है, अगले पड़ाव से फिर अगला पड़ाव, अगले पड़ाव से फिर अगला पड़ाव, इतनी भारी जो बहुमत से जो जीत हासिल हुई है, क्या फैक्टर आपको नजर आते हैं? ये फैक्टर साफ साफ है, एक फैक्टर है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं लेकिन देश के लिए। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए नहीं लेकिन विश्व के लिए। आज विश्व स्तरीय के नेतृत्व के रूप में वो आज उभर के आए हैं, जहाँ पूरा विश्व उनकी तरफ देखता है। और उसी के साथ जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने समय समय पर हमें मार्गदर्शन दिया, हमें ठीक राह पर ले गए, हमसे जो कहा गया करने के लिए, उसी का फलस्वरूप आज ये नतीजा आ पाया है। स्थानीय स्तर पर हमारे बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जिसने अथक प्रयास किया है, हमारे बीजेपी पार्टी के हमारे अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं ने ये नतीजा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। कांग्रेस लगातार कहती थी कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का सवाल है, आप भी लगातार कहते थे कि मध्य प्रदेश का भविष्य बीजेपी बना सकती है और आरोप प्रत्यारोप भी किए। कांग्रेस बिल्कुल सही कहती थी और कांग्रेस को जवाब भी मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका यह कहना था कि
लगातार प्रदेश के भविष्य को लेकर जो बातें हो रही थी उसको लेकर बीजेपी ने साबित किया और ये जनता की जीत है और प्रचंड जीत को श्रेय वो जनता को देते हैं। कैमरा पर्सन खिलान के साथ सुधीर दीक्षित। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। और इस बीच एक बड़ी खबर, रहली से मंत्री गोपाल भार्गव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहां पर 72,041 वोटों से एक भारी जीत यहां पर हुई है। दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जीत गए हैं और ये जो अपडेट है बहुत बड़ी अपडेट, नरेंद्र सिंह तोमर। और यहां पर घोड़ा डोंगरी से बीजेपी की जीत हुई है। रायपुर लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार वहां पर मौजूद है, बातचीत का सिलसिला उनके साथ भी आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक, अभी चूंकि जो रिजल्ट था वो अब और क्लियर होने लगा है और इस क्लैरिटी में और क्या कुछ नजर आ रहा है, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या कुछ है हमारे दर्शकों के लिए अपडेट? लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है बीच, ये बड़ी खबर है, आप लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। आशा, मंत्री गोपाल भार्गव जीत गए हैं, एक बड़ा चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से, जहां बहुत बवाल हुआ था इलेक्शन के टाइम पे, आपको याद होगा पथराव तक वहां पर हुआ था, लेकिन जीत हुई है नरेंद्र सिंह तोमर की। बिल्कुल, और जब शुरुआती रुझान सामने आए थे तो उस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर कुछ वोटों से पीछे चल रहे थे, तो बहुत मायने निकाले जाने लगे थे इस बात के, बहुत सी चर्चाएं भी हो रही थी। और सीधा सीधा अब आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त अभिषेक, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ, माफ कीजिएगा ब्रजमोहन अग्रवाल जी, आवाज मिल पा रही है, बहुत बधाई सर, काफी कुछ यहां पर बदलाव हो गया है, जो आप दावा कर रहे थे वो सही साबित होता दिखाई दे रहा है। जी निश्चित रूप से हमने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में आएगी, सरकार बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी लगभग 55 सीटों पर आगे है और मुझे लगता है 81 सीट बढ़ सकती है, कम नहीं होगी, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार में आएगी। जनता ने भूपेश बघेल की भ्रष्टाचारी, अन्यायी, अत्याचारी, माफिया सरकार को उसके ऊपर में बुलडोजर चलाया है और बीजेपी को मैंडेट दिया है कि जो गुंडा राज है उसको समाप्त करे, उसके ऊपर में बुलडोजर चलाए। चलिए, आपने बुलडोजर का नाम लिया, बुलडोजर का जिक्र कर दिया, तो स्टार प्रचारक के तौर पर उस बुलडोजर मॉडल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सबके बीच में ले गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो हावी रहे, जो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जिनके कारण हुआ, जिसका जिक्र आपने चुनावी मैदान में किया? देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली कोई ऐसी सरकार होगी जो पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाकर अपना जेब भरने का काम करे, मुख्यमंत्री अपने जेब भरने का काम करे, शराब में घोटाला, कोयले में घोटाला, जंगल में घोटाला, जमीन में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, पीएससी में युवाओं के भविष्य के साथ में अन्याय किया गया, धान में घोटाला, और मोदी जी ने जो गारंटी दी कि हम महिलाओं को 12,000 रुपये साल का देंगे, किसानों का धान 21 क्विंटल 2100 रुपये में खरीदेंगे, जो अतिरिक्त पैसा है वो एक मुश्त हम देंगे, 2 साल का बचा हुआ बोनस हम देंगे, महिलाओं को 500 रुपये में गैस का कनेक्शन देंगे, लड़की पैदा होगी तो हम 1.5 लाख रुपये देंगे, और विकास के रास्ते पर ले जाएंगे कि केंद्र की सरकार ने 21 लाख लोगों के लिए यहां पर प्रधानमंत्री आवास दिया, परंतु भूपेश बघेल जी ने 16 लाख ग्रामीण और 5 लाख शहरी आवास छीन लिए, और इन सब मुद्दों को कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो सबको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, इन सब मुद्दों को लेकर जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया है और कांग्रेस का सफाया किया जी। छत्तीसगढ़ के चार चिनारी, नरवा, गरुआ, गरुआ बारी, कहां रह गया अग्रवाल साहब? ये नरवा, गरुआ, गुरुआ बारी, जो गरुआ है वो सड़कों पर है, गुरुआ जो है वो कांग्रेस के घर में पहुंच गया है, और जो बाड़ी है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, और नरवा सूख गया है। इन चारों को जनता ने नकार दिया, क्योंकि ये तो गांव-गांव में लोग देख रहे थे इसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, खाली इसकी प्रचार प्रसार हो रहा है, इसमें काम कुछ भी नहीं हो रहा है। और जाते जाते ब्रजमोहन जी, क्या मोदी फैक्टर चला है यहाँ पर? क्योंकि अब पुरजोर आवाज जो बीजेपी खेमे से आ रही है वो यही कि मोदी जीत की गारंटी, एक अकेला सब पर भारी। निश्चित रूप से मोदी फैक्टर चला है, मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के नेता नहीं, पूरे विश्व के नेता हैं, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और इसलिए मोदी जी की गारंटियों पर यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया है और बीजेपी को बम्पर मैंडेट दिया है। एक छोटा सा सवाल सर, सीएम कौन होगा? रमन सिंह पर ही भरोसा रहेगा पार्टी का? इसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उसको सब स्वीकार करेंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने यहां पर वो कर दिखाया जिसके बारे में बार बार आप दावा कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी अभी दौड़ में बनी हुई है और लगातार जो रुझान है वो परिणाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन देख रहा हूं मैं कि वो आंकड़े उतना क्लोज आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं आसा। बिल्कुल, और लगातार ये महाकवरेज जारी है, पल पल अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, आंकड़े नतीजे सबसे पहले ब्रेकिंग यहीं पर आपको मिलेगी, कहीं मत जाइएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द आओ। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।